तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। सबसे पहले दिस इंटरव्यू इज स्पॉन्सर्ड बाय द रेहान फाउंडेशन एंड इंटरव्यू स्कूल गार्डनेट। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमान के पास आते हैं, उनसे नया नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज एक बार फिर मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक और नई हस्ती के साथ, ग्रेट पर्सनालिटी के साथ और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इंसान के साथ आपके सामने आया। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया खुश आमदीद कहने का संजय। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। जी सर, थोड़ा लाउड बोले। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग संजय कुमार। मैं बिल्कुल अल्लाह के शुक्र से ठीक हूँ। क्या कुछ सही हुआ क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल सेम ही है। बिल्कुल आप पहले जैसे बैठे थे सही है। जो आज आवाज आज के जो हमारे जी, आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनका नाम मामून मीठादर है। मीठादर क्यों है ये एक मिस्ट्री है, आज हमें सर खुद बताएंगे। सर का ताल्लुक कराची से है और सर जो है लास्ट 26 ईयर्स से वुड वर्कर रहे हैं, डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं। वधिक मामून मीठा दोस्त सर कौन है, क्या है, आइए इनकी जबानी सुनते हैं। ओवर टू यू। ओके, मीठा दर का जहां तक ताल्लुक है, मुझको खुद नहीं मालूम कि ये कैसे लिखा हुआ है, क्यों कैसे आ गया, क्योंकि मुझे निकालना भी नहीं आता। और मैंने कहा कि चलो इट डजंट बॉदर मी। तो मीठा दर कराची का इलाका है, शायद ये वहीं से इसका ताल्लुक है। और मेरे पास कोई अपने पास कुछ बताने के लिए ऐसा खास मौजू नहीं है, कुछ है नहीं कोई कि मैंने ये किया और वो किया, और इसलिए कुछ किया ही नहीं, तो कुछ कहने को खास है नहीं। लेकिन बस ये छोटी छोटी बातें जो कि हम सभी करते रहते हैं गपशप। तो बल्कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, उनसे ज्यादा पूछना चाहिए कि आपने डॉक्टरी की और लियाकत मेडिकल कॉलेज से की। वो कहाँ पर है लियाकत मेडिकल कॉलेज? सर ये जामशोर हैदराबाद। जामशोर में लियाकत? अच्छा, मैं समझा कि ये लियाकत अस्पताल होता था कराची में, शायद उसका वो बन गया कॉलेज, बना दिया उसको। ये जामशोर में तो आपने किस चीज में डॉक्टरी की डॉक्टर संजय? जी सर, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया डॉक्टर संजय कुमार? आपने किस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है? आपने स्पेशलाइजेशन किया मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं किया, GPO MBBS जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर, अच्छा, वेरी नाइस। तो अब आप करेंगे आगे? आप सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। सामने आ जाऊं? सामने तो हूं मैं यार, कहां हूं, मतलब क्या क्या करूं? मैं जरा करीब ला रहा था आवाज के लिए। मीठा यार, तुम्हारा मामला कुछ बना नहीं? यार आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, तुम्हारी आवाज ही नहीं है। ये तो मसला है तुम्हारा, तुम बोलते हो तो कोई सुनता नहीं है, जो तुम जानते हो वो कोई मानता नहीं है, यही तो मसला है भाई, यही तो मसला है। तो छोड़ कर चले गए, चले गए, चले गए।
भी आओ के कहाँ कहाँ रुबा चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अभी तो लाइव हो रहा है यार, ये रुका नहीं अभी तक। मैं तो समझा था बंद हो गया, अब ये जो लाइव चल रहा है। यू आर इन द शो, एवरीबडी कैन सी एंड हियर मी। ओ भाई, अच्छा चलो। संजय कुमार, कैन जी यू सर, हियर जी मी नाउ? कैन यस सर, यू आई कैन हियर हियर यू। मी? ओ गुड। तो ये अभी तक क्या लाइव चल रहा था? डिड यू स्टॉप द पॉडकास्ट और इट वो कंटिन्यू था? सर मैंने स्टॉप नहीं किया था, लाइव ही चल रहा था, थोड़ा शायद नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा अच्छा, मैं तो बोलता रहा बीच में, ओटीसी सर। मैं आपसे मैसेज ये पूछना चाहता था। आके। जी, सर आप अच्छा बोल रहे थे, और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी लाइफ स्टोरी जो है शेयर करें। लाइफ स्टोरी का मतलब आपने बचपन कहाँ से शुरू किया, और उसके बाद जो है आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की, आपने लाइफ की स्ट्रगल जो है, जब पहली जॉब कब की, बचपन में आप कैसे थे, जवानी में आप कैसे थे, डांटे थे या नहीं, तो ये छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और कौन कौन से अच्छा, मुश्किलों को आप। जी, बचपन भी थे, जवानी भी थे, ये तो पास्ट हो गया, ये तो आज बात तय हो जी गई है कि जवानी भी पास्ट है, बचपन तो खैर वो तो लॉन्ग गॉन, मगर जवानी भी पास्ट हो चुकी थे। बुढ़ापे का आपने पूछा नहीं क्योंकि वो दिख रहा है कैसे कैसे हैं। सर होपफुली वो फिर वो अगला अभी सवाल है, हाँ? क्या वो चीज? फिर आगे आएगा ना, शुरुआत तो बचपन से करेंगे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आएगा। नहीं, वो थे, मैं तो थे के ऊपर उसके ऊपर जाकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, जो पास्ट टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि वो थे। चलो, अब अच्छा आपने उसको याद दिला दिया आपने उसको कि भाई अब थे, अब होश में आ जाओ, अब जवान नहीं हो। चलो मान लेते हैं भाई, हालांकि दिल तो नहीं करता। तो लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया। तो बस ये है कहानी, बस क्या पता है यार, लड़कपन में क्या किया, क्या तीर मारा, वो स्कूल गए और अब तो याद भी नहीं है। स्कूल गए, फिर वहां से स्कूल कराची में स्कूल था क्या, डीएम नहीं, हैप्पी होम स्कूल, उससे भी पहले एक और स्कूल में था, वो था नेशनल कॉलेज। आप कराची से, आप कितना कराची को कितना जानते हो? सर मैं कराची लियाकत नेशनल से मैंने ट्रेनिंग की है, लियाकत हाँ हाँ नेशनल हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ बस उसके पास ही रहते थे हम लोग, वही ना सर। लियाकत मैं नहीं, नेशनल थी। अच्छा, मेरे मेरे व्यूअर्स जानते होंगे, आप बता दें। जी, ये वही ना लियाकत सर नेशनल मतलब टेलीविजन बचपन स्टेशन था, आप, टेलीविजन स्टेशन हाँ के लियाकत सामने जो है नेशनल हॉस्पिटल। जी जी भाई, वही वाला। जी हाँ, जी हमारा घर था उससे 2 मील होगा। We were like on the, अगर आप वहां पे एक फातिमा जिना स्कूल था सामने, वहीं पे करीब में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज इन फातिमा जिना स्कूल, तो वहां से आप ऊपर जाओ तो धोरा जी आता है, वो धोरा जी से नीचे उतरो तो हमारा घर आ जाता है। तो इस तरह से था, तो वी वर नॉट वेरी फार। मैं आई यूज टू वॉक, मैं यहाँ कॉलेज जाता था जब स्वीडिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट है लांडी में था, तो लांडी में वहां से मैं बस में बैठ के जाता था। तो आई यूज टू वॉक एवरी डे यू नो टू टू दैट बस स्टॉप फ्रॉम माई होम, तो इतना वॉकिंग डिस्टेंस हुआ वहां पे, ये टू दैट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के पास बस स्टॉप होता था, जो आगा खान अस्पताल है ना वहां पर, मगर उस वक्त अस्पताल था नहीं, उस वक्त अस्पताल नहीं बना हुआ था आई बिलीव। तो वहां से हम बस पकड़ते थे, सीधा जाती थी कायदाबाद लांडी ऑन दिस फ्रॉम स्टेडियम रोड।
वो एक मेमोरी है सारा। हर रोज में जाता था आता था, रास्ते में वहां पे सुबह जाता था तो वहां पे एक थी ढाबा, तो वहां पे मिलता था पराठा और चाय। तो आई यूज टू एंजॉय दैट अलॉट। सुबह ठंडी ठंडी सुबह में पराठा, पठान था आई थिंक, इट वॉज पठान, आई एम नॉट टू श्योर। तो चाय मजा आता था जबरदस्त, यूज टू एंजॉय दैट अलॉट। वो मलबारी का होटल वॉज इज वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज। गए एक छूटा लिया, बैठ गए, दो चार और आ गए उधर, होते ही थे, हमेशा मौजूद ही होते थे। गप्पे मारी, सूडा मारा, एक दो वो उड़ी सी थी बकबक की, फिर चल दिए। कभी नमाज पढ़ने भी चले जाते थे। तो रात को जो था वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज के, हम लोग, मेरे एक दो दोस्त थे सामने, हमारे घर के सामने था एक लड़का, उसका नाम था वैसे, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेला हुआ है, इस नेम इज एजाज फकी। वो और एक दो और क्लास फेलोज होते थे, तो हम लोग बैठ जाते थे रात के एक एक दो दो बजे तक। ठंडी हवाएं, कराची रात को ठंडी बड़ी जबरदस्त चलती है हवा, तो वहां बैठे हुए बाहर सड़क पर, नॉट नॉट आई मीन कि घर के बाहर दीवार से हमने चबूतरा बना दिया था, लाइक थल्ला, उसमें बैठ गए सब। अब लेटा हुआ है कोई, कोई उल्टी सी, और बहुत चलते फिरते लोग आ जाते थे, बैठ गए आके गप्पे मार ली, एक दो दो बजे तक यार रात के हम लोग घूमते थे। फिर हुआ कि चलो चाय पीने चले, तो वहां पे चले गए जमशेद रोड पे, ऑल नाइट था, 24 आवर्स वहां पे दिन निकला हुआ होता था, बिकॉज के वहां पे बसेस जो थी ना रिपेयर के लिए आती थी, तो वो पुरानी पुरानी बसें, वो उनका रत जगह होता था। रात दिन में वो पैसे कमाते थे, रात को वहां रिपेयर होती थी, तो वहां पे चाय की दुकानें खुली होती थी, फिर वहां से चाय पी अक्सर बेशतर। इट वॉज फन टाइम इन अ वे, स्कूल जाने के बजाय हिल पार्क से पहुंच गए, वहां बैठे सूटे मार रहे हैं। बस यही अपना लड़कपन, खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बस ऐसे ही गुजरा। कोई पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, कोई डॉक्टर वॉक्टर बनने का शौक नहीं था, ना इंजीनियर भी नाम के बने। आज तक उसकी इंजीनियरिंग की जो जॉब, जो पढ़ाई की, आज तक जॉब में एक दिन भी नहीं की, अप्लाई नहीं किया। जॉब तो करना था दूर की बात, कभी आज तक अप्लाई तक नहीं किया उसके लिए। बस वो तो वो एक था कि कुछ करो कुछ करो, एक वो था ना एक प्रेशर, अच्छा क्या करो, इसका शौक था, कर लिया। फिर मेरे बाप की दुकान थी एक चश्मे की, अच्छा तो वो बेचारे की डेथ हो गई 1972 में, तो मेरे भाई ने टुक ओवर कर लिया। अच्छा, वो फिर क्या हुआ कि वो ही वॉज इन इंटरेस्टेड कि मैं कॉलेज वॉलेज जाऊं, तो वो अपना सैर सपाटे के लिए निकल गए, कभी यूरोप चले गए वो, और मुझको बोल गए कि भाई तुम दुकान में बैठो। अब मैं बैठा तो वंस आई डिड दैट, महीना डेढ़ महीने के लिए बाद तो मुझे पढ़ाई वढ़ाई का कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर वो दैट वाज द एंड ऑफ माय पढ़ाई इन अ वे। फिर उसके बाद मैंने बस कॉलेज पूरा किया, नाम का किसी को खिलाया किसी को पिलाया, बस पास पास हो गए। वहां पे बड़े कुछ लोग थे ऐसे जो कि टीचर कम थे और बस वो नौकरी ज्यादा थी उनकी, तो इट वॉज नॉट नॉट गुड। अब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, गंदा लगता है कि टेरबल। तो इस तरह से वो पास हो गए, फिर बस पास हो गए, फिर अपना उसके बाद क्या थी हमारा, उसके बाद थोड़ा दिन दुकान में बैठे, फिर हुआ जी चलो कहीं घूमने के निकले, फिर अमेरिका आ गए, फिर अमेरिका में बैठे हुए, फिर हुआ कि नहीं अमेरिका नहीं, हमें तो पाकिस्तान में रहना है, बस ग्रीन कार्ड भी हो गया। फिर पाकिस्तान चले गए, वहां पे कारखाना लगाया उसका लकड़ी का, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का काम थोड़ा किया था, तो वो तो चलना तो था नहीं उसको ढंग से, कार्य आदमी तो काम चलता है, वो तो बस बनाने का शौक है, ये कर ले वो कर ले ना, बस क्या कहते हैं आप तो उसको, बड़ा जब से एक दो बुढ़े हो गए ना याद भी नहीं आती चीजें, बस अभी आ जाएगा याद, कोई बात नहीं, बस एक शौक था ये कर ले वो कर ले।
तो 1 साल 2 साल 3 साल उसी में वहां गवाए, जो जेब में पैसे थे वो भी रख दिए, वो भी गवा दिए। फिर अमेरिका आ गए, अब तो कुछ है नहीं, पैसे भी नहीं है, अब चलो अमेरिका चलो, बस फिर यहीं पे रह गए। अब कितने साल हो गए, 45 साल हो गए अमेरिका में, ऑलमोस्ट लाइक 42, इट बी 42 ईयर्स, बस यहीं पे जग मार रहे हैं 42 ईयर्स से। तो इट्स फन बीइंग इन अमेरिका, इस अच्छा है। लेकिन ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, सुना होगा आपने, ग्रेट या ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट रियली, देर इज नो अदर प्लेस लाइक होम। ये भी बड़ा मशहूर है, विच इज ट्रू, देर इज नो अदर प्लेस लाइक होम। आप कहाँ पे रहते हैं? आप बता, थरपाकर में, राइट? सर थरपाकर, तो जी आप सर कराची भी थरपाकर रहे, बट यू स्टिल वांट टू बी इन थरपाकर, आई बिलीव यू डोंट वांट टू बी, यू रादर बी इन थरपाकर देन इन कराची। बस ऐसे ही है, यस जहां सर, से आदमी, मैंने जो MBBS की डिग्री की है वो हैदराबाद लम्स जामशेद से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग मैंने कराची से की है, और जो अब मैं जॉब कर रहा हूँ अपने इलाके में कर रहा हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर के तौर पे, और यही, और साथ में ये आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोगों के जिंदगी के एक्सपीरियंस सुन के कुछ सीख रहा हूँ, कुछ मेरे व्यूअर्स भी आप लोगों के साथ सीख रहे हैं सर। बड़ा अच्छा, बहुत प्यारे थे, बहुत फन लविंग है और बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं सर। मेरा अगला सवाल है कि आपने पाकिस्तान से लेके, कराची से लेके जो अमेरिका तक सफर किया, और उसमें एक अच्छी बात बोली कि ईस्ट इज बेस्ट होम इज द बेस्ट, मतलब अभी भी आप पाकिस्तान को मिस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है सर। मेरा अगला सवाल, आपने पहली जॉब कब शुरू की और उस जॉब को कैसे एंजॉय किया, कैसे आगे बढ़े, तो थोड़ा सा जो हर्डल्स जो एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और भी सर हर्डल्स तो नहीं है कभी भी आया खास, क्योंकि कोई ऐसा खास तीर मारा नहीं, तो जो तीर मारता है हर्डल उसको आता है। मगर पहली जॉब मैंने शुरू की 10 साल की उम्र में, तो मैं अपने बाप की दुकान में जाके चश्मे बेचता था, बस वही जॉब थी। 25 साल तक का मैंने यही किया। तो इन बिटवीन कॉलेज, वही बता ना आपको, मेरा भाई था, वो उसने टेक ओवर कर लिया। तो फिर वो, उसने जब टेक ओवर किया तो फिर वो मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब ही वाज द मैन। और फिर वो, उसकी वजह से भी मैं अमेरिका आ गया शायद, क्योंकि आई ट्राइड हार्ड के आई शुड स्टे इन पाकिस्तान, मगर ग्रीन कार्ड भी आ गया था मेरे पास। तो वंस यू हैव अ ग्रीन कार्ड इन योर पॉकेट एंड देन यू हैव अ लिटिल बिट डिफिकल्टी, यू से ओके हेल्प विद दिस शिट, आई गो टू अमेरिका, यू नो, इफ यू हैव अ चॉइस सिटिंग इन, एंड वहां पे जो डिफिकल्टी, वो वहां पे, एक तो मुझको तजुर्बा नहीं है, था, है भी नहीं, है अब थोड़ा बहुत तो हो गया होगा अब तक, तो के आई मीन ये थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, उसको बजाय टैकल करने के भाग गए वहां से। तो ये था, बजाय इसके कि उसको टैकल करते, ढंग से काम करते, ढंग से ठीक तरीके से काम किया, काम किया ऐसे भैया जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका से सीख के गए ना, दिमाग में तो अमेरिका था, तो वैसे ही सब कुछ होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है, वो वैसा हो जाता, मगर उसके साथ कुछ एडॉप्शन करनी पड़ती है। खाली आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एक चीज को उठा के, एक जो इस एनवायरमेंट में जो सक्सेस है उसको उठा के और दूसरी एनवायरमेंट में ले जाओ और एक्सपेक्ट करो कि No, it should go perfect. It need more than that. It has to have adaptability. एक दरख्त भी इधर से उधर जाके नहीं लगता, उसके लिए भी, उसको भी एनवायरमेंट के एडॉप्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो चला नहीं, बस मेरे ख्याल में सबकॉन्शियस ड्राइव भी ये था कि अमरीका जाना है, नहीं तो शायद हो भी जाता। तो ऐसा हो ना, तो फिर उसमें फिर मुश्किल ही होता है, यू जस्ट चीट योर सेल्फ बेसिकली, यू आर नॉट ऑनेस्ट, जी इफ आई एम नॉट ऑनेस्ट, नॉट यू विथ मी, आई जस्ट चीटेड माई सेल्फ, आई वॉजंट ऑनेस्ट टू मी और टू टू माई गोल्स। देन लाइक जिसे क्या लोग कहते हैं सिगरेट छोड़ रहे हैं, दे डू इट
चार दिन के बाद दोबारा पी रहे होते हैं, बिकॉज दे नेवर इंटेंटेड टू। वो साले उनको उनको छोड़ना ही नहीं है, फिर छोड़ भी देते हैं। जब वो जब उनको छोड़नी होती है तो छोड़ देते हैं। इट टेक्स योर विल टू डू समथिंग। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कुछ व्यूअर्स हैं जिसमें सैयद आमना साहिबा है, उन्होंने लिखा है माशाल्लाह ग्रेट गेस्ट। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल गफार जुनेजो साहब हैं जिन्होंने लिखा है फैक्ट ऑफ लाइफ बाय ग्रेट गेस्ट। और इन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, आपको सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम टू ग्रेट गेस्ट मामून साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत नाजरीन शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा अगला, आप बड़े प्यारे बड़े मजे से अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल है कि माशाल्लाह आप 66 इयर्स के हो गए हैं, जिंदगी का बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तो आपने अपने लाइफ में वो कौन सी तीन चीजें सीखी हैं जो हमें सिखाना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को सिखाना चाहते हैं सर? ओवर टू यू। वो आसान सी बात है कि भाई सच बोलो झूठ नहीं बोलो, नंबर जी वन। सर, एंड लर्न अबाउट फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, नंबर टू। यू मस्ट लर्न अंडरस्टैंड के हाउ इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ। द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग वन कैन हैव, और हर किसी का होता है, चाहे वो समझ भी जाओ तो भी रहता है। दो, तीसरा ये कि बस इसी के अंदर दो सभी सारी आ जाती कहानी। सच बोलो और लोगों से मत डरो, लोगों के ओपिनियन से मत डरो। लोगों से डरना एक और बात है और लोगों के ओपिनियन से डरना एक और बात। ओपिनियन इज लाइक हवा, यू नो, इट डजंट रियली एग्जिस्ट, बट इट्स जस्ट अ फियर, फियर इन योर ओन माइंड। एंड यू बिकॉज यू वी आर रेज्ड अप इन इन एनवायरमेंट कि वो क्या क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। हर हमारे माँ बाप जो है ना, खास करके वो पुराने वक्तों के लोग हैं और उनके दिमाग में बड़ों के एक और चीज है, ओ जी बड़ों से अदब से बात करो, राइट? वो तो ठीक है अदब से बात करना, मगर बड़ों से क्वेश्चनिंग करनी करने देते, वो सबसे बड़ा मसला है माशरे का। वो इतना बड़ा इशू है कि आप एक तो बच्चा सीखता नहीं है, और बच्चे से कोई ऐसा सवाल कर दिया, बच्चे ने कोई ऐसा सवाल कर दिया जो कि बड़े के पास है नहीं, कहेगा तो उल्टा सीधा जवाब दे देगा उसको, बजाय इसके कि उसके साथ ईमानदारी सच्चाई से बोले। ये हमारा जनरल ओपिनियन बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है ना, ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में जो अगर आप कहोगे एक बात बताओ, उंगली रखो एक बात पे जिसकी वजह से हमारा माशरा बिगड़ा है, खराब हो गया, तो मैं ये, वो करप्शन अपनी जगह पे ना, बट करप्शन से पहले एक और चीज आती है, वो ये कि पीपल डोंट क्वेश्चन अथॉरिटी, दे आर अफ्रेड ऑफ इट, दे आर अफ्रेड ऑफ क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। जिसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी आ गई, वो साला सीधा निकाल के ऐसा चलता है कि बेचारा दूसरा आदमी जो है वो वैसे ही डर जाए, और क्योंकि इस क्योंकि वो पूरे माशरे में रच बस गया है। जो जिसके पास अथॉरिटी है, he has to behave in a certain way. जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको भी एक मालूम है, क्योंकि वो सर्टन वे में उसको बिहेव करना है, क्योंकि ये चला आ रहा है। हम लोग हिंदुस्तान के गुलाम थे, हिंदू उसके अंग्रेजों के गुलाम, तो अंग्रेजों ने हमारे पर हुकूमत करने के लिए इस किस्म की माहौल पैदा किया थ्रू आवर क्लर्जी, वो हिंदू क्लर्जी हो या मुस्लिम क्लर्जी हो, they always use clergy to rule the world. तो खैर मैं उस पर आऊंगा। साउथ अमेरिका में दे यूज सिमिलर थिंग, तो वो उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया कि बड़ों से सवाल नहीं करने का, डोंट क्वेश्चन अथॉरिटी, स्टार्ट राइट फ्रॉम आवर होम एंड देन इट गोज ऑन टू ऑल ओवर टिल द एंड। ये नंबर वन, जो इतना मशहूर वाकया है जिसकी मिसालें सारे सियासतदान देते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर का, के आपने भी सुना होगा, दो यू आर हिंदू बट यू स्टिल मस्ट हैव लर्न, कि जी उमर के ने से लोगों ने सवाल किया कि चादर कहां से आई,
उनको जवाब देना पड़ा। तो उम्र से ज्यादा इसमें तो वो जो बिद्दू था, जो जिसने सवाल किया था, ही शुड बी प्रेज्ड, ही हैड अ करेज टू आस्क उमर, वेयर डिड यू गेट दिस शॉल और एक्स्ट्रा क्लॉथ, हैव यू हर्ड ऑफ दैट वन? यू रिमेंबर? डिड यस यू सर, हियर दैट आई स्टोरी? या इट्स सो मच फेमस, दो इवन यू आर हिंदी यू स्टिल नो। सो व्हाट आई मीन टू से, दे ऑल टॉक अबाउट इट बट Nobody says that you must question authority. You must, you, we need to question authority. Until we don't learn that, if we question authority, we are going nowhere. No change is coming in Pakistan or in India. It's the same thing. We both are the same. Same, they take the same, those people in authority take the same advantage. ये मेरा तीसरा जो था ना कि तीन बातें, तो लर्न टू क्वेश्चन अथॉरिटी एंड डोंट, इफ यू आर अ फादर और दादा और समबड़ी, ऑलवेज इनकरेज योर किड्स टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इफ यू डोंट नो द आंसर टेल देम आई डोंट नो, आई एम गोना फाइंड आउट इसका जवाब क्या है, एंड देन आई आंसर यू, एंड डोंट बी एम्बेरस्ड इवन इफ यू आस्क द वर्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट अफ्रेड ऑफ आंसरिंग. They ask questions. We always threaten them. How dare you ask me a question like that? You know, how come you have the courage to ask a question like that? We threaten them. We tell them, shut up. And then we shut them up forever. They never have that courage to ask questions in their whole life to anyone. And that's the difference between the... जिसके पास होती है जो हमारे माशरे में, जिसके पास ये जरा सी भी एबिलिटी होती है, करेज होता है, यू बिकम लीडर एंड द रेस्ट ऑफ अस बिकम सब्जेक्ट टू देम, दे बिकम जस्ट यस सर, यस सर, यस मैन, वी बिकम यस मैन, यू डोंट हैव करेज. सर ग्रेट, तमाम जबरदस्त बातें और बड़ी प्यारी सीख, सच बोले और लोगों के ओपिनियन से डरना मत डरे, और जो अथॉरिटी से सवाल करना सीखे, लर्न टू क्वेश्चन टू द अथॉरिटी, बड़ी जबरदस्त बातें हैं, बड़ी हकीकत है, और नो डाउट आपको इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है और बड़े एक्सपीरियंस से बड़ी जबरदस्त बातें बताई हैं आपने. सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपकी वो कौन से तीन आइडियल पर्सनालिटीज है जिन्हें आप अपने आइडियल मानते हैं, उनसे आपने एक एक बात जो सीखी हो वो हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएं, सिखाएं. ओवर टू यू सर. Well, वैसे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है हमेशा, लेकिन उनसे मैंने उनकी बातें सारी नहीं सुनी गौर से, लेकिन थोड़ी बात सुनी है और उसको मैंने अडॉप्ट किया. मसलन जैसे कि यही है कि जो आदमी सुनी 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 हुई बात पे यकीन ले आए, बिलीव कर ले, इज लाइक अ लायर, बिकम अ लायर विदाउट तहकीक. आई मीन लेट मी फ्रेज, जो जो आदमी कोई सुनी सुनाई बात को पर बिलीव कर लेता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, इट्स बिकम बिकम अ लायर हिमसेल्फ, बिकॉज ही नो यार ये भी नहीं है, बिलीव करने के बाद उसको आगे स्प्रेड करे, ये है. जो सुनी सुनाई बात पे, देखो ना इसको भी याद आने में कितना टाइम लग रहा है, जो आदमी कोई सुनी सुनाई बात को स्प्रेड करेगा is like a liar without investigating. तो ये एक चीज है जो कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी कि लाए के ऊपर, बिकॉज आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि लाइंग इज मोस्ट टेरेबल थिंग टू डू. इट टेक्स अवे योर लाइफ, योर 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 पीस. इट्स लाइक यू बी विद द, देर आर टू फोर्सेस इन द वर्ल्ड. The force is one is a good force, the other one is evil force. So once you lie, once I lie, once if I'm telling the truth, I'm with the good force. If I'm telling a lie, I'm with evil. And there is a fight in between two forces. And we always are in fight. And within us and outside of us. We always have a within us, we want to do certain things which may not be right, and that's a fight within us, and then outside of us there are people around us
those who are doing the evil things or good things. So there is always a fight. Number two, jo personality hai, wo Imran Khan hai. Kyunki I strongly believe to that guy. To my bone means all the way. I strongly believe in him, but I criticize him as well. I'm not gonna accept everything he says. He does a lot of stupid things. He says a lot of stupid things, but he has a pure heart. If you have a pure heart, everything is forgiven. That's all, yes, man. Agar intent aadmi ka na, innamal amal wa biniyat, ye amal ka dar o madar niyat ke upar hai. So now your intent which counts. You may be doing the best thing in the world, but if the intent is not right, it's no good, it's evil. But if you're doing the worst thing in the world, but if the intent is good, you are doing good. And this is aur ye jo hai ye sari ki sari levels ke upar hota hai. All the paradigms, like you kill somebody, right? You were angry and you killed him. So you're third degree murder, but you contemplated, you thought about it, and then you contemplated, now I'm going to kill that guy. That's the first degree murder. But sometimes you kill somebody and people give you a reward. This guy, you know, like in war. Or maybe you kill somebody in self, thinking that he was going to kill me. And if you can prove that I killed that guy in self-defense, you're clear. So it was the intent which counts. That is the number one, intent. And whole life depends on this. The whole universe depends on it. It was the intent. It was the intent by the God Almighty to create some world. So he created it. It was the intent. Imagination, intent, plan, you can say that. All those things in the same category. It was the intent. Intent counts. Bapna, keep your intent clean. This is my request. To keep, check your intent. Check your intent before you do anything. Is it for my nafs, myself? Why I'm doing this? Or please God Almighty? Or to make money doing evil or doing good? Does it benefit me to or somebody else? I mean, all those questions are valid questions. One must ask all the time if he wants to do something. You became a doctor. You might have became a doctor to make money, or you wanted to help people. You wanted to impress other people. I'm a doctor. Look, I got a big ego. You wanted to make your parents happy. There could be so many intent. I mean, there could only you would know what the intent was. You may be doing the same thing, but God might not have given you any reward. But God might have given you a whole lot of reward just because your intent was right. So it is all the intent. All the efforts you made, if you just keep put your intent right, you get a whole bunch of reward. If you don't do the right intent, you're not going to get reward. You may, in fact, get some bashing on it. So this is... Yes, sir. Bahut shukriya. Aapne bari achhi baatein bole. Pehli baat, aapne Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ka misal diya ke wo log jo baat सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके बगैर तस्दीक किए हुए बगैर तहकीक किए हुए दूसरों तक फैलाते हैं वो झूठे बन जाते हैं। सेकंडली आपने कहा इमरान खान नो डाउट ही इज डूइंग स्टूपिड थिंग बट हिज इंटेंट वाज राइट ही इज अ प्योर हार्टेड दैट्स व्हाई यू लाइक हिम। और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टेंट और मिसाल दी है, बड़ी जबरदस्त बातें की आपके लाइफ एक्सपीरियंस और सबसे बड़ा जो आपका अंदाज फ्रैंक फनी और एंजॉय व्हाइल टॉकिंग यू नो हिमसेल्फ एंजॉयिंग अ लॉट, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने आपके लाइफ जर्नी से काफी चीजें सीखी सर, और आपने जो सबसे अच्छी बात बोली के जो है आप प्योर हार्टेड रहे, आपकी इंटेंट जो है वो सही रहे, और सेकंडली जो आपने बोला कि सच बोले और अथॉरिटी से क्वेश्चन करें, ये हमारे आज का टेगलाइन है। सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस अब आप एक अच्छा सा मैसेज हमें और हमारे व्यूअर्स को दें, फिर हम इस शो को एंड करते हैं। ओवर टू यू सर। इतने सारे तो दे दिए यार, सारे अच्छे तो दे दिए, अब तो बचा ही कुछ नहीं।
सर बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। बहुत एक और शुक्रिया सही। आपने मुझे इनवाइट किया, आपने इनवाइट किया उसका बहुत शुक्रिया संजय। और आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, यू आर ऑब्वियसली लर्नड मैन एंड यू आर यू हैव कॉन्शियस, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू आर इंटेलिजेंट, इवन दो मैंने ये बोला मगर यू ऑलरेडी न्यू ऑल दोस थिंग्स माशाल्लाह। सो दैट्स अ प्लेजर टू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका मशकूर हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने कीमती टाइम से, बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, हमारे साथ अपने जिंदगी के ये एक्सपीरियंस शेयर किए, और बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी जो टेगलाइन है वो व्यूअर्स को एक बार फिर बता देता हूँ कि अपने अंदर करेज लाएं, अपने अंदर हिम्मत लाएं और अथॉरिटी से सवाल पूछें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स एक बार फिर से। व्यूअर्स अगले शो में एक बार फिर से एक और नए गेस्ट के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।